तो अभी मुझे TCS रिसीव हो गया है। मैं सो रही थी और TCS रिसीव हो गया है अभी अभी, और TCS वाले ने ही आके जगाया है। ओ माय गॉड। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहां कहीं में होंगे अपने प्यारों के साथ खुश और गर्म तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। दिस इज जुम्मा एंड जुम्मा मुबारक एवरीबॉडी। और जो है मैं सुबह, मुझे उठा दिया था, किसने उठाया था? TCS वाले ने। TCS वाला आ गया था मेरे क्रेडेंशियल्स लेके, एंड मैं सोच रही, मैंने कहा यार ये आज ही कैसे आ गया, मतलब जल्दी प्रोसेस हो गया था। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, सब मेरे क्रेडेंशियल्स वापस आ चुके थे। और मुझे उठाए उसने सुबह सुबह, मैं सोते हुए उसको, अच्छा क्या करना है, साइन करना है। और मैं ये भी नहीं सोच रही कि TCS वाला है, साइन मुझसे वो मोबाइल पे लेगा। और मैं पेन ढूंढ ढूंढ के, मैंने कहा आपके पास पेन नहीं? कह रहा नहीं मेरे पास पेन नहीं है, पेन लेने चली गई। मैं पेन सोते हुए पेन ले, मैंने कहा पोस्ट ऑफिस, मेरे पास पोस्ट ऑफिस वाला आता है तो मैं उसको पेन, या तो वो मुझे दे रहा होता है, या मैं, मुझे तो याद भी नहीं। मैंने कहा यह तो TCS वाला है, TCS वाले को तो पेन की जरूरत ही नहीं होती है। देखा, हमें जिद्दत की दौर की आदत ही नहीं है भाई। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें जदीद चीजों की आदत नहीं पड़ सकती। जदीद चीजें हमारे यहाँ या तो सिर्फ नवाज शरीफ के पास होती है, या शहबाज शरीफ के पास होती है, या जरदारी भाई साहब के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है। हमें यकीन नहीं आता जिद्दत देख के। हाँ अच्छा, ओ माय गॉड, क्योंकि हमें इतना पस्त रखा है ना उन्होंने। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, बिक गई है गवर्नमेंट, हमारी बिक गई है जो गवर्नमेंट है ना, उसने हमें इतना पस्त रखा है। हमारा बदहाली का जो इतना सामान इकट्ठा किया ना उन्होंने, हमें यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में जिद्दत भी आ सकती है भाई। कभी वो भी दिन आएगा सर, सड़कें साफ होंगी और गलियां साफ होंगी और चमक रही होंगी, वो दिन हमने, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना भाई, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। हम बस चल रहे एक रतलाम की गलियों में, और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं। नौजवान नस्ल का कोई फ्यूचर नहीं है भाई, कोई फ्यूचर नहीं है। आपको अगर अगर कुछ बनना है तो आपको जाना बाहर ही पड़ेगा, ये आप याद रख लेना। इस पाकिस्तान में आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये हमारे लिए बना ही नहीं था, हमारे लिए तो पाकिस्तान नहीं बना था, ये बना था नवाज शरीफ के बच्चों के लिए, नवाज शरीफ के लिए, ताकि वो टोरे फेरे करके एक उन्होंने जंक्शन बनाया हुआ, इसको एक गांव सा बनाया उनके लिए। तो ये गांव है ना, गांव आ जाते हैं कभी छुट्टियां गुजारनी हो, अच्छी सी दिल विल बहलाना हो तो थोड़ी देर के लिए गाँव आते हैं, फिर वो बैग भरते, एक बैग अपने कपड़ों से नहीं भरते, इससे भरते भरते और फिर निकल जाते। यही होता है, यही होगा भाई, यही होएगा पाकिस्तान में। और गरीब आवाम की चटनी बनाते, उसको सुहाने ख्वाब दिखाते, पहले सब महंगा कर देते, फिर उसमें से रत्ती बराबर जितना सस्ता करके कहते हैं, अब बताओ वोट किसका। मासूम पब्लिक कहती है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, तो बस यही होता है इस मुल्क में, तो यही होगा ये। तो अगर भाई तुमने कुछ बनना है जिंदगी में, कोई कारनामा अंजाम देना है, तो तुम जितनी भी मेहनत कर लो, गधे जैसा काम कर लो, 24 घंटे लगा लो, बनोगे तुम कुछ भी नहीं। जाना तेक को बाहर ही पड़ेगा, बाहर जाएगा तू तो बनेगा, पाकिस्तान में तू नहीं बन सकता। 24 घंटे काम कर लो, 48 घंटे काम कर लो दिन के दिन, मतलब 48 तो हो ही नहीं सकते ना, हम दो दो दिन जाग जाग के भी काम करें ना, हमारा कुछ नहीं होने का यहाँ। थैंक गॉड, ठू ठू। तो अगर आपको कुछ बनना है, अपने तकदीर को बदलना है, तो जाना आपको अब्रॉड पड़ेगा। नौजवानों चलो आओ, बैग पैक करें। चलो भाई मैं बैग पैक करने जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़।